आपने अब तक युगपत समीकरणों को सॉल्व करने के तरीके सीख लिए, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अब इन समीकरणों को जब सॉल्व करना आ गया तो अब वर्ड प्रॉब्लम मतलब इबारती प्रश्नों का जवाब कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो प्रश्न होता है उसको हम अच्छी तरह पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वही करते चले जाते हैं, तो एक समीकरण बन जाती है। फिर दूसरी कंडीशन होती है तो दूसरी समीकरण बन जाती है। फिर जिस तरीके से आपने दो विधियां सीखी हैं उस पर हम फिट करके उनको सरल करके हम उनकी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक सवाल है, देखिए आयत है, ये आयत है और इस आयत में आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब ये लंबाई और चौड़ाई जो छोटा होता है अक्सर आप उसमें यही मानिए, ये अगर एक्स है तो ये होगा x+5, ये हो जाता है। अब ये कहता है प्रश्न कि यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, परिमाप तो अब देखिए ये हो गई लंब चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, अब परिमाप, परिमाप क्या होता है ये देखना है अब आपको। परिमाप होता है 2l+b, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 यहां लिखिए और लंबाई की जगह x+5 लिखिए और प्लस बी की जगह एक्स लिखिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिमाप, आपका परिमाप तो ये आ गया और क्वेश्चन कह रहा है कि ये परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वल हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक ही इसमें दो समीकरण बन ही नहीं रहे हैं, वाई कहीं आया ही नहीं। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अभी हम बताते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 2 2x हो गया, एक्स और एक्स 2x हो गया और 2 से मल्टीप्लाई यानी 4x हो गया, प्लस 5 2 10 इज इक्वल टू 4040, ये हो गया। अब देखिए 4x को इधर रखिए, 10 को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा। अब x देखिए क्या है, अब 4 से 30 को डिवाइड करेंगे, भाई 4 से ये 4 उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर क्या आया है, चौड़ाई x, x आया है 7.5। अब लंबाई क्या आएगी, लंबाई आपकी आई है इससे 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, तो 7.5 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12.5। तो लंबाई हो गई 12.5 और चौड़ाई हो गई 7.5, एक तरीका और सेंटीमीटर सब में, है ना, सेंटीमीटर, यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, ये सेंटीमीटर हो गया। अब यहां पर एक चीज और बताएं, जैसे 7.5 है इसमें 5 जोड़ना है तो 5 कहीं इधर नहीं लिख दीजिएगा, कि जोड़ने के नियम में बताया गया ना राइट साइड से लिखते हैं, तो यहां ये कंप्लीट नंबर है 5, तो ये 5 को हम 5.0 कहते हैं, इस तरीके से जोड़ेंगे तब 12.5 आएगा, इस तरीके से ये 5 सेंटीमीटर तैयार हो जाएगा। तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको मिल गई। अब आइए युगपत समीकरण के आधार पर इसी चीज को सॉल्व करते हैं एक बार, तो देखिए क्या आता है, यही आता है या कुछ और आता है ना। अब ये इसमें कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है, अगर लंबाई आपने x मान ली और ये y मान लिया तो देखिए लंबाई, अब लंबाई कर देखिए जो कहता जाए वो करते जाए, लंबाई जहां कामा लगे वहां इज इक्वल, लंबाई मीन्स x इज इक्वल टू y+5, क्योंकि y से ये 5 ज्यादा है तो y+5, ये एक इक्वेशन बन गई, है ना। अब दूसरी में देखिए, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि परिमाप उसका 40 सेंटीमीटर है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2
एक्स प्लस वाई टू एल प्लस बी होता है, टू लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के डबल किया जाता है, तो ये इज इक्वल टू 40 ये बन गई। अब इस टू को उधर भेजेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। और x की वैल्यू ये विलोपन विधि से नहीं प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए इसकी वैल्यू ये आई है, ये इसको यहां रख दीजिए, तो y प्लस 5 प्लस वाई इज 20, तो ये 2y हो गया, 2y इज ये 5 उधर माइनस हो जाएगा 15 और y आपका आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से भी चौड़ाई आपकी कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर ही आई ना, और लंबाई क्या आ जाती। अब लंबाई निकालने के लिए लंबाई आपने तो ये मान रखा है, तो लंबाई में 7.5 में 5 जोड़ दीजिए तो लंबाई आपको मिल जाएगी, तो x कितना आ जाएगा 7.5 प्लस 5 ये 12.5 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी आ गई 12.5 और चौड़ाई कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर। ये आपको देखिए दोनों तरीकों से, तीसरी विधि से भी अगर लगाएंगे विलोपन विधि से तब भी इतना ही आएगा। तो सॉल्व करना आपको आ चुका है। अब हम इबारती प्रश्नों को जो लिखे हुए होती हैं वर्ड प्रॉब्लम को समझ करके पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर समीकरण बनाने के बाद सॉल्व करना आपको आता ही है और आप उसका आंसर निकाल लेंगे। फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसको आप विलोपन विधि से करते तो ये y इधर आ जाता, x माइनस y बराबर 5। अब देखिए x अगर विलोपन विधि से इसी जगह से कर दीजिए तो यहां पर ये समीकरण क्या बनती, x माइनस ये y इधर आया, y इज 5। आप इसको ऐड कर देते, जोड़ देते, ऐड इसलिए कर देते क्योंकि यहां देखिए अपोजिट साइन है, ऐड करने पर ये कट जाएगा तो 2x आ गया, 2x कितना आ गया 25, तो x आ गया 12.5। देखिए फिर वही आ गया, x जो है 12.5 आया था आ गया। अब x की वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए, यहां पर डालिए तो देखिए x की वैल्यू जब डालोगे तो क्या आ जाएगा, ये x में से 5 घटा दोगे तो y मिल जाएगा, ये 12 है इसमें से 5 जब घट जाएगा तो ये 12 है, तो 12.5 माइनस y ये 5, तो 5 जब माइनस करोगे तो आपका बचेगा 7.5। देखिए दोनों तीनों तरीके से, अगर आपने एक चर विधि लगाई तब भी इतना ही आएगा, दो चर विधियों में सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से इसके पहले करके दिखाया, अब देखिए विलोपन विधि से भी ये आंसर एक ही आएगा, तरीके कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सॉल्व करना अब कम आवश्यकता होगी। अब जरूरत है वर्ड प्रॉब्लम को समझना, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके समीकरण बना देना, ये काम अब शुरू हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अगला वीडियो फिर डाल रहा हूं जिसमें इस तरीके के पहले कुछ वीडियो डालूंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद मैं चैप्टर वाइज शुरू कर दूंगा कि जैसे संख्या संबंधित प्रश्न, तो उसमें 10-5 सवाल एक साथ सॉल्व करके बताऊंगा, उसमें केवल समीकरण बनाना बताऊंगा, हल करने के लिए कुछ हल कर दूंगा लेकिन कुछ आप लोग प्रैक्टिस करें। संख्या संबंधित, भिन्न संबंधित सवाल, आयु संबंधित सवाल, चाल और समय वाले सवाल, इस तरीके से चैप्टर वाइज उससे रिलेटेड बहुत सारे जो भी सवाल मिलते हैं उन सवालों को समीकरण में बदलना, ये जो इबारती प्रश्न है जो लिखे हुए होती हैं बातें होती हैं उनको हम समीकरण में बदलना सिखाएंगे और बदल करके उन्हें हल करना सिखाएंगे। ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत जरूरत है इनकी और आप कामयाब होंगे। धन्यवाद।